चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी, रस्सी नहीं कुछ और है, ये रस्सी है, रस्सी नहीं है, ये रस्सी है, ये रस्सी नहीं है। क्या पढ़ा जा रहा है? मेरी कविता लाओ देखें। ये कविता है, अगर पेड़ भी चलते होते। दीदी आप ये कविता हमें समझाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। भाषा किरण भाग 3, और ये है कविता अगर पेड़ भी चलते होते। हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, ये इस कविता को समझना चाहते हैं। क्या आप भी इनके साथ इसको समझना चाहेंगे? दीदी आइए इधर बैठ जाइए। अब शुरू करते हैं कविता। हाँ दीदी। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहां कहीं ले जाते, जहां कहीं भी धूप सताती, उनके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उनके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। अच्छी है ना कविता? हाँ दीदी। अब हम सब मिलकर इस कविता का पाठ करते हैं। पहले मैं बोलूंगी, फिर मेरे पीछे पीछे मेरे बाद तुम लोग बोलना, ठीक है? हाँ दीदी। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहां कहीं ले जाते, बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहां कहीं ले जाते, जहां कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते, जहां कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। अब आप लोगों को समझ में आई है कविता? हाँ दीदी। अब कौन पढ़ेगा इसको खूब अच्छे से पढ़ना? हाँ ठीक है, तुम पढ़ो। जैसे मैंने पढ़ा था वैसे ही पढ़ना। हाँ दीदी। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते, बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। आप लोगों को कविता समझ में आ गई? हाँ दीदी। कुछ पूछना है किसी को? नहीं दीदी। अब मैं पूछूं? हाँ दीदी। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, उनके सामने उनके उत्तर गलत दिए हैं, ठीक है? अब मैं पढ़ती हूँ और आपको सही का निशान लगाना है। पेड़ को कहीं ले जाने के लिए भूख लगने पर
बाढ़ आने पर, धूप सताने पर। अब आप बताइए कि इनके उत्तर ये हैं, पेड़ के नीचे आ जाते, पेड़ के मधुर फल खाते, पेड़ के तने में रस्सी बांधते और पेड़ के ऊपर चढ़ जाते। अब आप बताएंगे? हाँ दीदी। पेड़ को कहीं ले जाने के लिए क्या करते, तुम बताओ? उनके तने में रस्सी बांध देते हैं। शाबाश। अच्छा बताओ, भूख लगने पर क्या करते? आप बताइए। उनके मीठे मीठे फल खाते हैं। और बाढ़ आने पर क्या करते हैं? ये पेड़ के ऊपर चढ़ जाते। ठीक, बिल्कुल ठीक बताया। और ये बताओ कि धूप सताने पर क्या करते, तुम बताओ? पेड़ के नीचे छिप जाते। बिल्कुल ठीक। अब आप लोगों से हम कुछ विलोम शब्द पूछते हैं। आपको विलोम का अर्थ पता है? हाँ। किसी शब्द के उल्टे अर्थ को विलोम कहते हैं, ठीक है? हाँ दीदी। अब बताओ धूप का उल्टा क्या होता है, तुम बताओ? छांव। छांव या छाया। और मधुर का, तुम बताओ? कड़वा। और कड़वे के अलावा इसका उल्टा खट्टा भी होता है और कसैला भी होता है। अच्छा, ऊपर का उल्टा क्या होता है, बताओ? नीचे। हाँ, नीचे। ऊपर का उल्टा नीचे। और अच्छा का, तुम बताओ? अच्छा का उल्टा क्या होता है? बुरा। बुरा, ठीक, बिल्कुल ठीक बताया। अब आपको बताना है वो जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं, कि अगर तुम्हारे पंख होते तो क्या होता? उड़ते। उड़ते, बिल्कुल ठीक। और अगर हम पेड़ों से बातचीत कर पाते तो कैसा लगता? हम बताएं? हाँ बताओ। हमें खूब अच्छा लगता। क्या बातें करती? हमें आम दो। और बताओ? हमको अमरूद दो। यानी उनसे हमें खूब मीठे मीठे फल खाने को मिलते, है ना? हाँ दीदी। सोच के देखो कि तुम्हारी कक्षा के नीचे अगर रेलगाड़ी के पहिए लगे होते तो कैसा होता, बताओ? ये बहुत अच्छा होता। कैसे? ये हमें लेने आ जाती, घर से लेने के लिए आ जाती। और क्या क्या होता बताइए? आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होती, हम उसी में बैठ के चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आपको बताना है कि वृक्ष हमारे किस किस काम आते हैं, बताइए। पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं, बताओ? वो हमें फल देते हैं। और ऑक्सीजन। और रबर भी बनता है। बिल्कुल ठीक। और तुम बताओ? हम उससे ताजी ताजी हवा। बहुत अच्छा, ताजी ताजी हवा मिलती है हमको उनसे। हाँ, आप बताइए। वो हमें लकड़ी देते हैं। लकड़ी मिलती है और शुद्ध हवा मिलती है, है ना? और ये सभी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे पर्यावरण को भी साफ और शुद्ध बनाए रखते हैं। इसलिए पेड़ों को अपनी जगह पर ही खड़े रहना चाहिए। अब सबको कविता समझ में आ गई? हाँ दीदी। अब चलो हम इसे गाते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते।
अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते।